दोस्तों, दिलीप कुमार की शादी को लेकर जिस तरह आज सलमान खान की शादी को लेकर मीडिया में चर्चे होते हैं, वैसे ही इनकी शादी की भी चर्चा रहती थी। ये 12 अक्टूबर 1966 का दिन था जब दिलीप कुमार और सारा बानू की मंगनी का ऑफिशियल ऐलान हुआ था और ये अचानक हुआ था। दिलीप कुमार की उम्र 44 साल हो चुकी थी और इनके चाहने वाले हमेशा इस बात को लेकर बातचीत करते हैं कि आखिर दिलीप कुमार कब शादी करेंगे और वो खुशकिस्मत लड़की कौन होगी जिससे ये सुपरस्टार शादी करेगा। लेकिन किसी के वहम वो गुमान में भी ना था कि इनकी दुल्हन सारा बानू होगी। ना ही इन्होंने फिल्मों में साथ काम किया था और ना ही कोई मुलाकात के चर्चे, ना रोमांस, बल्कि इन दिनों इस बात के चर्चे थे कि शायद वो वहीदा रहमान से शादी करेंगे, क्योंकि दोनों ने इन दिनों लगातार 3 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जबकि वैजयंती माला के साथ भी दिलीप कुमार के परिस्तार यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद जल्द ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे और हमारे ख्याल में ये एक खूबसूरत जोड़ी होती। लेकिन जब सारा बानू के साथ इनकी मगनी का धमाका हुआ तो दिलीप कुमार के परिस्तार खुशी से पागल हो उठे, क्योंकि सारा बानू तब तक कई फिल्मों में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हीरोइन का खिताब हासिल कर चुकी थी। मीडिया ने इस खबर को खूब कवर किया और रेडियो से हर न्यूज में हर 2 घंटे बाद इस न्यूज को नशर किया जाता रहा। ये बात दिलीप कुमार ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जिस दिन मंगनी का ऐलान हुआ था, इनके परिस्तार सारा दिन मुंबई की हर गली कूचे में लाउड स्पीकर लगाकर दिन भर इनकी फिल्मों के गाने बजा रहे। अभी तक शादी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, ये सोचा गया था कि अगले साल शादी की जाएगी। लेकिन मंगनी के बाद जब दोनों कलकत्ता पहुंचे, जहां दिलीप कुमार को फिल्म संघर्ष की शूटिंग करना था और सारा बानू को दार्जिलिंग झुक गया आसमान की शूटिंग के लिए जाना था, जब इनका जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इन्हें मालूम हुआ कि बाहर लाखों लोगों का समंदर इनकी राह देख रहा है। तो दिलीप कुमार तो बाहर निकल अपने परिस्तारों से मिलकर इनकी मुबारकबाद कबूल करना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वालों ने इन्हें ऐसा करने से बाज रखा और इन्हें एयरपोर्ट के पिछले रास्ते से निकाला गया। पब्लिक हर जगह इनका पीछा कर रही थी। किसी तरह बचते बचाते दोनों होटल पहुंचे तो दूसरे दिन दिलीप कुमार खुद कहते हैं कि होटल के सामने का सारा मैदान तछातछ भरा हुआ था और पब्लिक मुबारक मुबारक के नारे लगा रही थी। इसलिए संघर्ष के डायरेक्टर HS रावल ने भी अपनी फिल्म की शूटिंग कैंसिल करना ही बेहतर समझा। इसी तरह झुक गया आसमान की शूटिंग को भी कैंसिल करना पड़ा था और अचानक ही फैसला कर लिया गया कि अगले हफ्ते ही शादी की जाएगी। वक्त कम था, लेकिन जल्दी में इंडस्ट्री के एक एक फर्द को दावत दी गई। शादी में दिलीप कुमार के दोस्तों ने भरपूर हिस्सा लिया। राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, पृथ्वीराज कपूर, S. मुखर्जी, अशोक कुमार, सतीश भल्ला, बलराज कोहली, हतीन चौधरी, मनोज कुमार, मुकरी, सबके सब शरीक थे। दिलीप कुमार के सबसे करीबी दोस्त प्राण को जब ये खबर दी गई तो वो कश्मीर में किसी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे, लेकिन जो ही इनको शादी की तारीख का पता चला तो वो शूटिंग छोड़कर श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे। उस वक्त मौसम बहुत खराब था। जब जहाज की रवानगी का वक्त हुआ तो मौसम के मिजाज को देखकर बहुत से लोग अपने सफर का इरादा कैंसिल करके वापस हो गए, लेकिन प्राण अपने खास दोस्त की बारात को मिस करना नहीं चाहते थे। उन्होंने मौसम की परवाह नहीं की और सफर जारी रखा। तहते जहाज बीच में बुरी तरह तूफान में फंस गया था, लेकिन तजुर्बेकार पायलट ने किसी तरह जहाज को तूफान से निकालकर मुसाफिरों को मुंबई पहुंचाया। इस वाक़े का जिक्र दिलीप कुमार हमेशा किया करते और अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस बात का एतराफ किया कि प्राण इनके वो दोस्त रहे जिन्होंने इनकी शादी में शरीक होने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला था। इसी तरह राजकुमार भी उस वक्त मुंबई से बाहर थे, मगर दिलीप कुमार की दोस्ती की खातिर उन्होंने भी शूटिंग छोड़कर फौरी मुंबई रवाना होने का फैसला किया था। दिलीप कुमार ने फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन का भी अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया है कि किस तरह खतरनाक हालात में, जबकि इनकी बारात में एक हजूम उमड़ पड़ा था, तो नासिर हुसैन एक वैन की छत पर कैमरा लिए बारात के मंजर को शूट कर रहे थे और वो इस दौरान कई बार गिरते गिरते भी बचे। राज कपूर ने दिलीप कुमार की बड़ी बहन से वादा किया था कि जिस दिन दिलीप कुमार शादी करेंगे वो घुटनों के बल चलकर इनके पास आएंगे और सबके मना
करने के बावजूद हंसी मजाक के माहौल में सबकी मौजूदगी के दरमियान राज कपूर घुटनों पर चलकर आए और अपना वादा पूरा किया। खास दोस्तों को तो इत्तला दी गई थी, मगर जो रह गए थे वो भी बगैर बुलाए बारात में शरीक हो गए और बिन बुलाए मेहमानों में दिलीप कुमार के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। नतीजा ये निकला कि सारा बानू और दिलीप कुमार के घर के दरमियान चंद फरलांग का फासला तय करने में बारात को 4 घंटे लग गए थे और लोगों की भीड़ देखकर सारा बानू के भाई सुल्तान अहमद ने मुंबई में जितने होटल थे सब की तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए और जो भी मिला ले आने का हुक्म दिया और कहा आज कोई बारात से खाना खाए बगैर नहीं जाना चाहिए। हालांकि दिलीप कुमार और सारा बानू की उम्र में 22 बरस का फर्क था, लेकिन इन दोनों के खानदान को इस शादी की इतनी खुशी थी कि उन्होंने शादी की तमाम रस्में और रिवायत के साथ अपने चहेते भाई दिलीप कुमार की शादी को एक यादगार बना दिया था। तो दोस्तों, दिलीप कुमार जो लाखों लोगों के हीरो थे, इनकी शादी को भी दोस्तों ने और परिस्तारों ने मिलकर एक यादगार इवेंट में तब्दील कर दिया था। ऐसी मोहब्बत शायद ही किसी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नसीब हो सकी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।